जामुन मालगाड़ी पर चुड़ैलों का कब्जा। तीन चार चुड़ैलें जामुन की मालगाड़ी के अंदर बैठ के लोगों को अपने जादू से बांध कर उन्हें जबरदस्ती जामुन खिलाती हैं। अरे अरे छोड़ दो, हमें छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मेरी पत्नी को तुमने और हमें इस तरह क्यों जकड़ रखा है। मरोगे, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। इस जामुन की मालगाड़ी में सबका मरना तय है। ये कहते ही चुड़ैल उस आदमी को मार देती है। आखिर जामुन से बनी मालगाड़ी में चुड़ैल लोगों को क्यों मार रही थी? क्या कोई राज है इस रहस्यमयी जामुन की मालगाड़ी का जो उन चुड़ैलों और लोगों से जुड़ा है? आखिर इस कहानी का पूरा सच क्या था? ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ इस कहानी की शुरुआत बेगमपुर स्टेशन से होती है। सभी यात्री स्टेशन पर पहुंचकर मीनम्मा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जंगल से गुजरने वाली एक मालगाड़ी वहां रुकती है। तभी मालगाड़ी का ड्राइवर उन चार पांच औरतों को कहता है, अरे जल्दी करो, मालगाड़ी रोक दी, सारे जामुन की पेटियां मालगाड़ी में रखो। ये जामुन की मालगाड़ी है, ठीक है रुको, हम अभी लेकर आते हैं कुछ पेटियां जंगल में, वो जंगल में ही है। कांता, सुशीला, जल्दी उठाकर जामुन की मालगाड़ी में जामुन रखो, फिर दूसरी ट्रेन आने वाली है। अरे हाँ हाँ, अभी कर रहे हैं, तो जब तक अंदर से जामुन की पेटी निकलवा कर ला। ये कहते ही शीला सारे जामुन की पेटी उस मालगाड़ी में रखवाती है और जंगल के अंदर से और जामुन की पेटियां उस मालगाड़ी में रखवाती जाती है। पूरी मालगाड़ी जामुन से लदी हुई थी। तभी वो औरतें कहती हैं, अरे ड्राइवर साहब, जरा हमें अगले स्टेशन तक पहुंचा दीजिए, इस जंगल से बाहर निकलने से बहुत टाइम लगता है। अरे ठीक है जल्दी आ जाओ, दूसरी ट्रेन आने का समय हो गया है, ऐसा ना हो कहीं एक ही पटरी पर दो ट्रेन भिड़ जाएं। तभी वो सारी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने वाली औरतें उस मालगाड़ी में बैठ जाती हैं। जामुन से भरी मालगाड़ी चलने लगती है, वो एक ब्रिज से होकर गुजरती है। उस ब्रिज को पार करते ही मालगाड़ी अजीब सी चलने लगती है कि वो ब्रिज टूट कर गिर जाता है, सारा जामुन वहीं बर्बाद हो जाता है और जो औरतें थीं वो अकाल मृत्यु से मर जाती हैं। अकाल मृत्यु के कारण वो चारों औरतें चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहती हैं, हमारी मौत भी हो गई और दोबारा आना भी हो गया, मलाल है तो सिर्फ इस बात का कि इतनी मेहनत से हमारे तोड़े हुए मीठे मीठे जामुन किसी इंसान के पेट तक नहीं गए ताकि वो हमारी वाह वाह कर सके। ये सब इस ब्रिज की वजह से हुआ है, इसके बनाने वाले की वजह से हुआ है, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, हमारे मीठे जामुन इंसानों तक नहीं पहुँचे, उन्हें इंसानों तक पहुँचाएंगे, उन्हें खिलाएंगे और मार भी डालेंगे। जैसे हम मर गए ऐसे ही इस मालगाड़ी से अब हम और लोग भी मरेंगे। पर हम लोगों को जामुन खिलाकर मारेंगे कैसे, उन्हें लाएंगे कैसे, मालगाड़ी में कोई नहीं बैठ सकता। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, मालगाड़ी को जामुन की ट्रेन में तब्दील कर देंगे, लोग ट्रेन समझकर इसके अंदर आएंगे, हम उन्हें जामुन खिलाएंगे और मार डालेंगे, उसके बाद ये मालगाड़ी फिर से जामुन की मालगाड़ी बन जाएगी। अरे वाह, मजा आ गया, चलो तो अपनी मालगाड़ी को वापस ले आते हैं। भूतिया शक्ति से चारों चुड़ैल सामने हाथ करके उस ब्रिज से वापस उस मालगाड़ी को उस पटरी पर लाती हैं और उसे एक बेहद सुंदर खुशबूदार जामुन की मालगाड़ी से ट्रेन बना देती हैं। फिर इंसानी रूप लेकर उस ट्रेन को बेगमपुर स्टेशन पर ही ले जाती हैं, जहां सभी यात्री जामुन की ट्रेन को देखकर कहते हैं, अरे वाह वाह, आज तक मैंने स्टेशन पर कई तरह की ट्रेन देखी है पर इतनी अच्छी दिखने वाली जामुन की ट्रेन नहीं देखी। अरे चलो 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 जल्दी, हम इसी में बैठकर जाएंगे। पर ये ट्रेन तो कुलक की ओर जा ही नहीं रही है। अरे जहाँ भी जा रही है इस ट्रेन का वहीं से ही आनंद ले लेंगे। चलो तो फिर इस जामुन की ट्रेन में जाकर आनंद लेते हैं, वैसे भी जामुन का सीजन है। उन्हें देख स्टेशन पर मौजूद और भी यात्री उस जामुन ट्रेन में चढ़कर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन चलने के लिए होती है तो अचानक से ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाँ इंसानी भेष में आकर चुड़ैलें एक ट्रे में उनके लिए जामुन का जूस, केक और एक टोकरी में भरकर जामुन लाती हैं। अरे आप देख क्या रहे हैं टुकुर टुकुर, जल्दी से ताजे ताजे मीठे मीठे जामुनों को खा लीजिए, इस जामुन से बहुत कुछ बनाया है हमने। बिल्कुल, जरा खाकर तो बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे जरा मुझे भी दीजिए, मुझे तो जामुन का जूस दे दीजिए। जामुन से बनी चीज खाते ही वो दोनों पति पत्नी जैसे ही उनकी तारीफ करते हैं तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उनकी गर्दन पकड़ कर कहती है,
चलो अच्छा हुआ तुमने हमारे जामुन चख भी लिए हैं और तुम्हें पसंद भी आए, तो अब बारी है तुम्हारे मरने की। चुड़ैल चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमें। तुम तो इंसान थी, चुड़ैल कैसे बन गई? ना तो मैं इंसान हूँ और ना ही ये ट्रेन है, ये मालगाड़ी है जामुन की। चुड़ैल शीरा जैसे ही एक चुटकी बजाती है तो वो जामुन की ट्रेन जामुन की मालगाड़ी में तब्दील हो जाती है, जहाँ से लोग बाहर भी नहीं आ सकते थे। ट्रेन की सीटें मालगाड़ी के डिब्बे में बदल गई थी। फिर चुड़ैल भूतिया पति पत्नी को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद डरा हुआ राकेश उस रेलगाड़ी से बाहर जाने के लिए अपनी पत्नी आयशा को बाहर निकालता है कि ये सब होता हुआ चुड़ैल देख लेती है और उन दोनों को बंदी बना लेती है। अरे मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ दो। मरोगे, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, इस जामुन की मालगाड़ी में सबका मरना तय है। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, ये मालगाड़ी वापस ट्रेन बनकर उसी स्टेशन पर जाएगी और लोगों को उठा कर लाएगी। जैसे हम मरे हैं वैसे और भी लोग मरेंगे। ऐसा कहते ही चुड़ैल उन दोनों पति पत्नी को जबरदस्ती जामुन खिला देती है, जिसके बाद उसका पति तो मर जाता है लेकिन चालाकी से आयशा जामुन को मुंह से बाहर निकाल देती है और मरने का नाटक करती है। अपने आप को सयानी समझकर चुड़ैल आयशा को यूं ही छोड़ देती हैं। चारों चुड़ैल मालगाड़ी में आए और भी यात्रियों को एक एक करके मार ही रही थी। इतने में आयशा अपना दुपट्टा किसी भी तरीके से मालगाड़ी के बाहर की ओर बांध कर निकल जाती है और चलती हुई मालगाड़ी से कूद जाती है, जहां उसके सिर पर कुछ चोटें आती हैं। ओह, लग गई, मेरा राकेश मर गया, मैं उसे तो बचा नहीं पाई लेकिन बाकी लोगों को जरूर बचा लूंगी, वो ट्रेन जरूर उसे स्टेशन पर वापस आएगी। अच्छा हुआ ब्रिज पर आने से पहले ही मैं कूद गई। ये कहते ही आयशा बड़ी मुश्किल से किसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें सारी घटना बताती है। वहीं दूसरी ओर वो चारों चुड़ैले अपने जादू से कुछ मालगाड़ी को फिर से जामुन से सुंदर ट्रेन बनाकर उसी स्टेशन पर ले जाती हैं, जहां सभी लोग फिर से उस मालगाड़ी का शिकार होते हैं और चुड़ैल अपने कब्जे से उन लोगों को मार देती है। ये घटना 2-3 बार हो जाती है, लेकिन फिर रेल अधिकारी के पास जब आयशा और वो तांत्रिक आते हैं और सब कुछ बताते हैं तो वो अधिकारी कहता है, इसका मतलब ये सारे हादसे वो चुड़ैले मिलकर कर रही हैं, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे उस मालगाड़ी में जाना होगा। बेटा, बिना सुरक्षा कवच के मत जाना, ये लो इस ताबीज को पहनकर उन पर प्रहार करना, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। इतने में हम यहाँ जो यज्ञ करेंगे उससे वो मालगाड़ी उन चुड़ैलों के कब्जे से मुक्त हो जाएगी। शुक्र है तांत्रिक बाबा, आपकी मदद से अब लाखों लोगों की जान बच जाएगी, वो जामुन की मालगाड़ी फिर से आने वाली है। ये सुनते ही रेल अधिकारी स्टेशन पर आई जामुन की मालगाड़ी में चला जाता है, जहाँ चुड़ैले प्यार से इंसानी भेष में उनका स्वागत करती है। आये आये साहब, जामुन ट्रेन की जामुन का स्वाद लीजिए, बहुत ही मीठे पल हैं। आप कभी जामुन ट्रेन में नहीं बैठे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ दो मुझे ये मीठे जामुन दो। रेल अधिकारी जामुन खाने की एक्टिंग करता है और जामुन पीछे फेंक देता है। ये करते हुए शीला चुड़ैल देख लेती है और अपने असली रूप में आकर जब उस लड़के का गिरेबान पकड़ने की कोशिश करती है तो झटके से पीछे गिरती है। फिर तीनों चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती हैं। क्या हुआ, मुझे मार नहीं पाई क्या तुम चारों मिलकर? हाँ देखो, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। ये कहते ही रेल अधिकारी अपने गर्दन के पीछे से खंजर निकालकर एक झटके से चारों को खंजर मार देता है, जिसके बाद वो चारों चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती हैं। इनका खात्मा तो हो गया, अब अपनी जान बचाकर इस मालगाड़ी का भी नाश करना होगा। तभी ब्रिज आने से पहले चलती हुई ट्रेन से रेल अधिकारी कूद जाता है। फिर वो ट्रेन ब्रिज से नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। तांत्रिक के यज्ञ से उन चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और लोग सुरक्षित स्टेशन से यात्रा किया करते थे। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा अनिल अपने दोस्त युग के साथ गाने गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अनिल नशे में था। अनिल यार, तू हमारे मुखिया जी का बेटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बाद तू इस गांव का मुखिया बनेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुझे देखकर ऐसा लगता नहीं कि तू पूरे गांव की जिम्मेदारी संभाल पाएगा। क्या मतलब है तेरा, मैं नहीं संभालूंगा तो क्या तू संभालेगा? देख मेरे भाई,
आगे को तुझे अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां लेनी है, तो तू अपनी इन गलत आदतों को छोड़ दे, समझा? अरे दो कौड़ी के लड़के, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, हैं? और क्या नहीं। देख अनिल, मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तू भी अपनी हद में रहे, समझा? वरना अगर मैं अपनी तमीज भूल गया तो फिर वो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब तेरी इतनी जुबान चलने लगी है, फटीचर इंसान। अनिल और युग में लड़ाई हो जाती है, कुछ गांव के लोग आकर उनकी लड़ाई को खत्म कराते हैं। अरे ये कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़े जा रहे हो? आवारा लड़के, काम गाम तो कुछ है नहीं, बस आवारगी करनी है इन्हें। देखिए, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, मैं अपने काम से ही आ रहा था। अरे चलो मुझे मत सिखाओ। अरे तुम्हें सिखा भी कौन रहा है, अरे चलो जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। युग और अनिल झगड़ कर अलग अलग रास्तों से घर जा रहे थे। अनिल नशे में गलत रास्ते पर निकल जाता है, जिस रास्ते पर था चुड़ैल का भूतिया जामुन का पेड़। अरे हमें तो लूट लिया मिलके सब्जी वालों ने, बहुत ही तंग कर दिया हमको घर वालों ने, नशा चढ़ा जो शराब का उतरना ही नहीं है। अनिल गाता हुआ ही चल रहा था कि तभी वो जामुन के पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचता है, और तभी एक हाथ उसके सर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अनिल वहीं गायब हो जाता है। युग की माँ कोमल उसके घर आने पर युग को बहुत डांटती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ युग, क्या तूने सच में मुखिया जी के बेटे से लड़ाई की? माँ वो बेटा, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? माँ अनिल नशे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि अनिल गलत है। अच्छा चल अब खाना खा ले। सॉरी माँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं जानती हूँ, युग एक सीधा सादा सा लड़का था। अगले कोमल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोमल दरवाजा खोलते ही बहुत हैरान हो जाती है, वहाँ गांव के बहुत सारे लोग और गांव के मुखिया किशोर खड़े हुए थे। आप सब यहाँ? हाँ हम यहाँ, चल हमारे साथ। सभी लोग कोमल को पकड़ कर ले जाते हैं। कोमल की आवाज सुनकर युग नींद में ही भाग लेता है। गांव वाले कोमल को बाहर ले जाकर जमीन पर पटक देते हैं। आह, ये तो मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तू ठीक तो है ना? अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। अपने बेटे को लगी तो दर्द हुआ ना, और मेरा बेटा? पूछ अपने बेटे से किसने क्या किया है मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया, समझे? अच्छा तो तुम दोनों माँ बेटे ऐसे नहीं बताओगे, बांध दो इस युग के हाथ पैर। किशोर युग को एक पेड़ से बांध देता है और जोर जोर से उसे कोड़े से पीटने लगता है। आ, 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 मेरा बच्चा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल रात से मेरा बेटा घर नहीं आया है, गांव वालों ने ही मुझे बताया कि रात को अनिल की लड़ाई इस युग के साथ हुई थी। चल अब जल्दी बता क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ। मैंने अनिल के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे और समझा रहा था कि वो इतनी ज्यादा शराब ना पिया करे। आ, आ। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा युग झूठ नहीं बोल रहा है, भगवान के लिए से मत मारो, एक माँ तुम्हारे आगे विनती करती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी साथ गलत करे, छोड़ दो इसे। कोमल को रोता और बिलखता देख एक बूढ़ा आदमी मनोज वहाँ आया। अरे भाई मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये आखिर चल क्या रहा है? देखो चाचा तुम बीच में ना आओ। अरे लेकिन बात क्या है, इस बेचारे बच्चे को क्यों मारे जा रहे हो? चाचा आप मुझसे दोगुनी उम्र के हैं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। लेकिन नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन शायद तुम्हारे सवालों के जवाब इस लड़के के नहीं मेरे पास मिल जाए। मनोज की बात सुनकर किशोर युग को पीटना बंद कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं? पहले तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। ये क्या आपको बताएगा, मैं बताती हूँ। कोमल मनोज को सारा किस्सा सुना देती है। मनोज सारी बात को सुनकर बोलता है। अच्छा बेटा युग, जब तुम्हारी अनिल से लड़ाई हुई थी तब क्या वो बगिया वाले रास्ते से घर की तरफ आया था? हाँ चाचा, वो वहीं से आया था। मेरा शक सही था। चलो मेरे साथ मुखिया जी,
मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के असली गुनहगार से मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक तांत्रिक बाबा को भी साथ में लेके चलना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो बहुत बड़े ज्ञानी है, उन्हें भी बुला लो। तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक के आते ही मनोज सभी को जामुन के पेड़ तक ले जाता है। तो चाचा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे बेटे के गायब होने में इस पेड़ का हाथ है? अरे इस पेड़ का नहीं, इस पेड़ पर बसने वाली भयानक चुड़ैल का है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार एक औरत इस पेड़ के नीचे सालों से तपस्या कर रही थी। वो बहुत सारी शक्तियों की मालकिन बस बनने ही वाली थी कि तभी कुछ बुरे लोगों को उसका पता चल गया और उन्होंने उसे बेरहमी से इस पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी, और तब से वो औरत चुड़ैल बन गई। और अब उसे जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता हुआ दिखाई देता है वो उसे नहीं छोड़ती। सभी मनोज की बात सुनकर डर जाते हैं। तो आप हमें इतनी खतरनाक जगह पर क्यों लाए हैं? अरे घबराओ मत, हमारे साथ बाबा है, ये सब संभाल लेंगे। हाँ बच्चा, अब मुझे देख लेने दे। तांत्रिक पेड़ पर हाथ रखता है और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगता है। तांत्रिक को सुनकर वहाँ चुड़ैल आ जाती है। इतने सारे लोग कोई भी नहीं बचेगा, आज सब मरोगे, सबके सब। क्यों आती है तू यहाँ और मासूम बेगुनाह लोगों की जान क्यों ले रही है, बोल। जैसे मेरी जान ली थी उसी तरह अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। चली जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तेरे लिए नहीं होगा बुड्ढे। चुड़ैल सभी पर झपटने वाली थी, लेकिन तांत्रिक ने पहले ही पेड़ के पास एक पवित्र रेखा बना दी थी, इसीलिए वो किसी पर भी हमला नहीं कर पाती। नहीं, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक बार मेरे हाथ आ तांत्रिक पर तुझे बताती हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तांत्रिक बाबा अपनी पोटली से एक कपड़ा निकालता है और उसमें आग लगा देता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं। तूने बहुत मासूमों को मौत के घाट उतारा है ना, अब तू मार। तांत्रिक बाबा पेड़ पर वो जलता हुआ कपड़ा डाल देता है। पेड़ के जलते ही चुड़ैल भी जलनी शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है। सभी वापस गांव आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना युग बेटा, और कोमल जी आप भी, मैं बेटे के प्यार में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं, आज से मैं सभी के सामने यह घोषणा करता हूँ कि मेरे बाद इस गांव का अगला मुखिया युग होगा। पर जी कोमल जी, आपका बेटा। सभी बहुत खुश होते हैं। अब चुड़ैल भी चली गई थी और सभी युग को अपना अगला मुखिया भी स्वीकार कर लेते हैं। रात में चार दोस्त हाथों में लालटेन लिए समुद्री किनारे बंदरगाह पर थे। तभी विवेक आकाश से कहता है, अरे आकाश तू पागल है क्या, यहाँ पर क्यों लेकर आया है, इतना डर लग रहा है इस बंदरगाह पर। यार मेरी तो फटके चार हो रही है, पता नहीं यहाँ पर इसे क्या बात करनी है जो यहीं उगलेगा। अरे तुम लोग तो खामखा डरे जा रहे हो, इतनी बढ़िया बात है सुनते ही खुश हो जाओगे, अरे अमीर हो जाएंगे अमीर। क्यों, इस बंदरगाह पर कोई खजाना है क्या जो हम अमीर हो जाएंगे और रात में ही निकालेंगे? अरे वाह, तू तो मेरे दिल की बात समझ गया, बिल्कुल सही समझा तूने। इस समंदर में एक जगह खजाना है जहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट पड़े हुए हैं। हम चारों समंदर में से निकाल कर उन्हें ले आएंगे, उससे तू देखना हम अमीर हो जाएंगे, बस हमें इसके लिए कोई जहाज चाहिए। अरे तू पागल हो गया है क्या, कुछ भी बोलता है। अरे कुएं में से खजाना नहीं निकालना, समंदर, समंदर, पता भी है समंदर कितना गहरा होता है, अंदर गया तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये मौसम तूफान वाला होता है, और तुझे कैसे पता इन सब के बारे में? अरे जब मैं यहाँ पर सामान की सप्लाई एक जहाज में कर रहा था तो एक नौकर ने बताया, 2 साल पहले यहाँ पर एक तूफान आया जिसमें सारा सोना डूब गया और आज तक कोई वो निकाल नहीं पाया, इसलिए अब हम चारों जाएंगे फिर अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म। तू जानता है ना कितनी गरीबी में रह रहे हैं हमारे माँ बाप। अरे पहली बार मुझे आकाश की बात बहुत अच्छी लग रही है, तू जल्दी से जहाज का इंतजाम कर, हम चारों चलेंगे। क्या नॉनसेंस वाली बात है, इसकी कोई बात अच्छी नहीं होती, इसकी बात गधे की लात होती है। यार मैंने जहाज का इंतजाम कर लिया है, एक पुराना जहाज है जो सस्ते में देने को तैयार है, उसी से ही चलते हैं। मैंने सारी बात कर ली है, रात हो गई, अब कोई नहीं आएगा तो हम निकल सकते हैं जहाज में बैठकर। वो रहा हमारा जहाज सामने।
चलो जब सब तैयार है तो चलो। रस्सी वगैरह हमारे कपड़े समंदर में अंदर जाने के लिए भी इंतजाम कर लिया है। ये कहते ही चारों दोस्त बड़े से जहाज में बैठकर रात के अंधेरे में समुद्र की ओर निकल जाते हैं, जहां सुमित दूरबीन से आसपास निगरानी करता है तो वहीं समीर जहाज का पहिया चलाता है। तभी चारों दोस्त तरल पदार्थ को पीकर कहते हैं, बस 12 घंटे का सफर और हम फिर पहुंच जाएंगे। मैप मेरे पास है। यार आकाश भाई, मेरे को डर लग रहा है। अभी काहे का डर, इतना सारा सोना पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो करना होगा। जब हम तीनों तेरे साथ हैं, फिर क्यों डर रहा है? चल फिर विवेक भाई। ये कहते ही दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं और जहाज को आगे बढ़ाते हैं। यकायकी जहाज की सारी लाइटें अचानक से जल जाती हैं, जिसे देखकर चारों हैरान हो जाते हैं और जहाज इधर उधर चलने लगता है, जिससे वह लुढ़कते हैं। भाई भाई बचाओ, कोई है? क्या हो रहा है? जहाज अचानक से नाचने क्यों लग गया? अरे मुझे क्या पता ऐसे क्यों हो रहा है, मैं भी तो फिसल रहा हूँ। अरे अरे कोई बचाओ बचाओ मुझे, मैं उछल कर बाहर आ गया हूँ, कहीं नीचे समंदर में न गिर जाऊँ। अरे हाथ पकड़ो मेरा। अरे अरे भाई भाई, मैं तेरे नजदीक हूँ, आता हूँ अभी आता हूँ। तभी आकाश मोटी सी रस्सी उठाकर सुमित की ओर बढ़ाता ही है कि तेज तूफान आना शुरू हो जाता है और बारिश होने लगती है, और बड़ी मुश्किल से पकड़कर गलती से उसे बचाकर जहाज पर वापस लाता है। चारों दोस्त जहाज के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तूफान शांत हो जाता है, तभी साहिल बोलता है, अरे भगवान का शुक्र है कि हम बच गए, नीचे आ गए, वरना ऊपर बारिश में तो बीमार पड़ जाते। अरे यहाँ अंधेरा हो रहा है सुमित भाई, पीछे बटन है, लाइट जला। ये सुनकर सुमित लाइट जलाता है मगर जलती नहीं। फिर पास में बड़ी टॉर्च को जैसे ही जलाकर अपने दोस्त की तरफ बढ़ता है तो पीछे से 4-5 भूत दिखाई देते हैं, जिससे डर कर वह गिर जाता है। भूत, भागो भागो। देख भाई मजाक मत कर, तुझे पता है ना मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, तू खुद देख ले। ये सुनकर विवेक उसके हाथ से टॉर्च लेता है और आकाश की ओर टॉर्च करके देखता है तो पीछे बहुत सारे भूत खड़े थे जो कि उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखते ही विवेक और सुमित बाहर की ओर भागते हैं। तभी फिर से जहाज की लाइट जलने बुझने लगती है और भूत आकर कहते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाज पर आने की? और जिस खजाने को तुम लूटने की ताक में हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं आ सकते हम इस जहाज पर? तुम होते कौन हो रोकने वाले? और अगर उस सोने को हम ले लेंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, वो सोना ना हमारा है। ये सुनते ही वो भूत चारों पर अटैक कर देते हैं, उनका पैर पकड़कर इधर उधर घसीटते हैं, पूरे जहाज पर परेशान करते हैं। फिर आकाश हाथ जोड़कर उनसे कहता है, देखिए बस कीजिए, अब हमें और मत मारिए। अगर आपको हमारा इस जहाज पर आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें मारिए मत, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए वो सोना हासिल करना चाहते हैं। पर आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, मेरा नाम हरिया है। 2 साल पहले अपने मालिक गजोधर के साथ कहीं से सोना लूट कर लाए थे, जिनमें उन्होंने हमें कहा था कि सब मजदूरों को बराबर देंगे। फिर उसने उस दिन कहा, हमने सोना लूटने में उसे उठाकर शिप तक लाने में बहुत मदद की है, अब आप हमें हमारा सोना दे दीजिए ताकि अपने बीवी बच्चे को पाल सकें। हाँ साहब दे दीजिए, हमारे घर में पैसा नहीं है, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार है। अरे बीमार है तो मैं क्या करूं, मैं इतना महंगा कीमती सोना तुम्हें क्यों दूं? बड़े आए 2 कौड़ी के लोग सोना लेने। अरे साहब रहम कीजिए, मौसम खराब हो रहा है, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, नाव आ गई है, हमें उसमें जाना है। तुम लोगों को मैं तो नहीं दूंगा। गजोधर बंदूक से एक एक करके जहाज में मौजूद सभी मजदूरों को मार देता है, कुछ गोली खाकर समंदर में गिर जाते हैं। गजोधर अपना सारा सोना लेकर निकल ही रहा था कि वो लोग भूत बनकर गजोधर की जान ले लेते हैं। फिर ज्यादा तूफान आने की वजह से वह जहाज वहीं सोने के साथ डूब जाती है। अगर ये जहाज उस समय सोने के साथ डूब गया था तो वापस कैसे आया? हमारी मौत के बाद यह जहाज भी एक भूतिया समुद्री जहाज बन गया। अगर कोई भी व्यक्ति भूतिया जहाज को समुद्र में ले जाने की कोशिश भी करता था तो उसे अपनी मौत से हाथ धो बैठना पड़ता था। यह जहाज खुद ही इस किनारे आ जाता था जिससे लोगों की मौत हो जाए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे बीवी बच्चे को उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है,
तुम कब तक मासूम लोगों को मारते रहोगे? इससे बेहतर है कि उस सोने को मैं खुद तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूं, कुछ अपने परिवारों को दे दूं, तो मैं भी मुक्ति मिल जाएगी। बताओ ये मंजूर है? मुझे तो इस लड़के की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर हम सब एक साथ मिलकर उस समंदर से सोना निकालें तो इसी में ही सबकी भलाई है। ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बदले में हमारे परिवार तक ये सोना पहुंचा देना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर वो लोग भूत के साथ मिलकर समुद्र के अंदर से ढेर सारा सोना निकालकर उस भूतिया जहाज पर ले आते हैं, जिसके बाद वह सोना देखकर खुशी से पागल होकर दोस्त कहते हैं, ओए होए 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 बल्ले बल्ले शावा शावा शावा, इतना सारा सोना तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, पैसों से ऐश करूंगा। अरे वाह भाई वाह, ये तो इतना सारा सोना है कि हमारी चार पुश्ते अच्छे से रहेंगी। ज्यादा नहीं उछल रहे हो तुम। सॉरी भूजी, हम आपके घर तक सारा सोना पहुंचा देंगे, हमें मिलेगा ना इसमें से? चिंता मत करो, जो हमारे मालिक ने हमारे साथ किया था वो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ये हम सबके घर के एड्रेस, इनके घर सोना नहीं पहुंचाया तो हम वापस भी आ सकते हैं। अरे नहीं भैया जी, मैं आपसे वादा लेता हूँ, मैं सबको सबका हक दूंगा। तभी दिन निकल आता है, जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच जाता है, भूत सारे सोने को अच्छे से उतरवा देते हैं, फिर वो चारों उन सबके घर पहुंचा देते हैं। जब इस बात की तसल्ली उन समुद्री भूतों को हो जाती है तो वह खुशी खुशी अपनी भटकती आत्मा से मुक्ति ले लेते हैं, साथ ही वो चारों भी अमीर की जिंदगी जीने लगते हैं।